दोस्तों 23 सितंबर को हमारा कक्षा 12वीं का इतिहास का त्रैमासिक परीक्षा पेपर है। लगातार दोस्तों हम तैयारी करते जा रहे हैं, इसलिए दोस्तों मैंने आपको पहले ही दो अंकी वाले महापुरुष ने बता दिए हैं। ओके, इस वीडियो में दोस्तों हम तीन अंकी और चार अंकी जो महापुरुष ने हैं उनको हम देखेंगे विश्व ओलंपियन के साथ। सो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, जितने क्वेश्चन बताऊँ सभी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ओके दोस्तों, हमारा तीन अंकी महापुरुष में पहला है, महाभारत को एक गतिशील ग्रंथ क्यों कहा गया है, स्पष्ट कीजिए। चलिए इसे देख लेते हैं। तो सॉल्यूशन दोस्तों आपके इस प्रकार से लिखना है, महाकाव्य महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है क्योंकि इसका विस्तार विकास संस्कृत के पाठ के साथ ही समाप्त नहीं होता अपितु अनेक शताब्दियों से इनके अनेक पाठांतर भिन्न 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 भाषाओं में लिखे जाते हैं जाते रहे हैं। ये सब इनके रचनाकारों अन्य लोगों और समुदायों के मध्य स्थापित हुए संवादों को दर्शाते हैं। ओके दोस्तों, देख लेते हैं महाभारत को गतिशील ग्रंथ क्यों कहा जाता है। इसका दो मुख्य कारण यह है कि और भी जो काव्य है महाकाव्य है वो एक बार किसी ने लिख दिया और फिर आपके क्या है वही चलता रहता है, लेकिन जो महाभारत है वो उसके लगातार क्या हमेशा उसमें क्या अपडेट होता रहता है। लगातार अपडेट होने के कारण क्या है महाभारत को क्या है गतिशील ग्रंथ कहा गया। मैंने इसका आंसर आपका ये है जो मैं आपको समझाया। ओके, बाकी इस प्रकार से आपका दिया अच्छे से इसे आपको तैयार कर लेना है, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति व्यवस्था के कोई तीन दोष आपको बताने हैं। जाति व्यवस्था के दोष क्या क्या है, तो जैसे पहला है श्रम की गतिशीलता प्रतिबंध होता है, चूंकि व्यक्ति को अपनी जातीय व्यवसाय को ही करना पड़ता है जिससे वह अपनी इच्छा या अनिच्छा के अनुसार बदल नहीं सकता है, तो ये आपका श्रम की गतिशीलता प्रतिबंध लगाता है आपका जाति व्यवस्था। दूसरा है आपका एकता में बाधक रहता है। तीसरा है सामाजिक प्रगति में बाधक। ओके, तो ये है आपके जाति व्यवस्था के तीन दोष, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, सिंपल आपका दिया हुआ है, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, कुल और जाति में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों आपको कुल और जाति में अंतर पूछा जा रहा है, तो कुल और जाति में अंतर आपका ये दिया हुआ है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा समझ लीजिएगा। ओके, वैसे दोस्तों मैं आपको चैप्टर वाइज चैप्टर आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता चुका हूँ। ओके, तो क्लास ट्वेल्थ हिस्ट्री ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की जो प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से आपके सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट आप देखकर प्रैक्टिस कर सकते हो। उसमें एक एक क्वेश्चन को मैंने आपको बेहतरीन तरीके से समझाया है, बाकी आप देख लीजिए, मैं आपको भी प्रॉपर रूप से आपके पूरे रिवीजन करा दे रहा हूँ, कंप्लीट हो जाता है। इसके साथ ही आपको नेक्स्ट आपको तैयार कर लेना है कि प्राचीन काल में संपत्ति के स्वामित्व के संदर्भ में महिलाओं की स्थिति की व्याख्या कीजिए। मतलब प्राचीन काल में महिलाओं को संपत्ति के किस प्रकार के अधिकार प्राप्त थे वो आपसे पूछा जा रहा है, तो ये आपका दिया हुआ है। ओके, अगर एक बार अच्छे से आप पढ़ लेते हैं तो आप जरूर, अगर पेपर में आता है तो आप क्या है तुरंत उसके बारे में लिख लेंगे। ओके, अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो फिर आपसे नहीं लिख पाते। ओके, एक बार जरूर आपको पढ़ लेना है समझ लेना है तो आपका कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। ओके, तो अब जैन धर्म की विशेषता कहा जाए या शिक्षाएं कहा जाए एक ही आपको बात रहेगी। ओके, तो देख लेते हैं जैन धर्म की हम शिक्षाएं या फिर आपकी कहा जाए विशेषताएं। ओके, तो जैसे यही आपकी शिक्षाएं हैं, यही आपकी विशेषताएं, यही आपके सिद्धांत। ओके, तो ये अगर रखना है जैसे आपका अनिश्वरवादी थे, तो जैन धर्म की जो प्रमुख विशेषता वो अनिश्वरवादी है, यानी वो ईश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं। वो किस पर विश्वास करते हैं, जिनके तीर्थकर हैं उन पर विश्वास करते हैं। नेक्स्ट है वेदों में अविश्वास, आत्मबाध्यता। ओके, फिर नेक्स्ट है आपका अहिंसा को महत्व देना, फिर कर्म सिद्धांत में विश्वास करते हैं, तीरत्नों का विधान है। ओके, फिर पंच महाव्रत। ओके, इसके बाद कौन सा है आपका जाति व्यवस्था में अविश्वास। तो इस प्रकार से आपके आठ यहाँ शिक्षाएं दी हुई हैं, आप देख सकते हैं। ओके, तो इनमें आपको क्या करना है अच्छे से तैयार कर लेना है। तो सबसे पहले तो आपको हेडिंग तैयार करनी नहीं है, ये आपको ये आपकी हेडिंग इसलिए हाईलाइट कर दी गई है, इनको आपको याद कर लेना, ये आपको याद हो जाती तो उनके अंदर का मटेरियल आप बता सकते हैं क्योंकि आपको सब पता है बस, लेकिन आपको हेडिंग लेकिन आपको याद रहनी चाहिए। ओके, तो इसको लिए आपको अच्छे से बार बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा या कोई ट्रिक बना लीजिएगा जिससे आपके है पूरे आपकी हेडिंग ये आपको याद आ जाए, ये आपके दिए हुए अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो पेपर में आपका जैन धर्म की शिक्षाएं पूछे, चाहे आपकी सिद्धांत पूछे, चाहे विशेषता पूछे, ये आपकी रहने वाली है। ओके, कंप्लीट हो जाता है। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक की तीन विशेषताएं लिखिए। त्रिपिटक की विशेषताएं कौन कौन सी है, तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म के सभी अनुशासनों एवं नियमों का दर्शाता है। दूसरा है जिस प्रकार बाइबल ईसाई के लिए महत्वपूर्ण, इसी प्रकार का है त्रिपिटक बौद्ध धर्म के लिए महत्वपूर्ण है। पर त्रिपिटक बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का एक संग्रह है जो बौद्ध दर्शन कराता है। यह बौद्ध धर्म से जुड़ी सबसे प्राचीन संग्रह है जिसमें कई सारे सूत और रचना देखने को मिलती है। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, अशोक के धर्म की कोई तीन विशेषताएं लिखिए, इसे देख लेते हैं। तो दोस्तों हम अशोक के धर्म की आपको विशेषता बतानी, तो आपकी विशेषता दी हुई है सार्वभौमिकता, फिर अहिंसा, नैतिक आदर्शों की प्रधानता, शुद्ध जीवन अपनाने पर बल, ये आपकी दी हुई है अशोक के धर्म की विशेषता। ओके, तो जब भी इनके क्वेश्चन का सॉल्यूशन तैयार करें आपको, तो एक बार पूरे तरीके से अच्छे से पढ़ लेना है समझ लेना है, और फिर मेन फोकस याद करने में आपको हेडिंग याद होनी चाहिए, फिर उसके बारे में आप क्या आराम से लिख पाएंगे। अगर आपको टॉपिक पता है तो आप अपने शब्दों में आराम से लिख सकते हैं, लेकिन अगर हेडिंग याद नहीं होती है तो फिर दिक्कत हो जाती है। ओके, किस प्रकार से आंसर को लिखा जाए, तो हेडिंग आप याद रखिएगा,
बाकी आपसे फिर बन जाएगा, ओके कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। नहीं दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के किन्हीं तीन उपदेशों को लिखिए। महात्मा बुद्ध के तीन उपदेश कौन कौन से हैं? तो आपका ये सम्यक व्यायाम, सम्यक संकल्प और चर्म धारण न करना, तो ये आपके दिए हैं उपदेश महात्मा बुद्ध के, तैयार अच्छे से आपको कर लेना है। तो हमारा कंप्लीट हो जाता है। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत कला के विकास का विवरण प्रस्तुत कीजिए। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत कला किस प्रकार से थी उसके बारे में बताना है, जिसे हम देख लेते हैं। तो आपको इसमें देख लेते हैं, पहले आपको बताना है स्थापत कला, यानी होता है भवनों के निर्माण की जो कला होती है उसे स्थापत कला कहते हैं। वह किस प्रकार से थी? हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो में उत्खनन में प्राप्त अवशेष से स्पष्ट होता है कि सभ्यता के लोग उच्च कोटि के क्या इंजीनियर थे। बस ये आपको तैयार कर लेना है। फिर मूर्तिकला किस प्रकार से थी वो उसे बताया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों आपकी चित्रकला हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार से थी उसके बारे में बताया जाता है। मतलब कला से संबंधित वाले जितने भी आपके टॉपिक है वो आपको बताना है, ओके। संगीत एवं नृत्य कला, धातु कला, ये आपके पॉइंट वाइज पॉइंट आपको दिए हुए हैं, तो इनको अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। ये आपके दिए हुए पांच पॉइंट के माध्यम से आपको क्या है हड़प्पा सभ्यता की कला के बारे में बताया जा रहा है। तो पहले तो आपको मेन आपको हेडिंग तैयार करना है, स्थापत कला, मूर्ति कला, चित्रकला, संगीत कला और धातु कला, ये है। फिर उसके बारे में आपको क्या पढ़ लेना है कि किस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता के लोग इन कलाओं के बारे में जानते थे। तो ये हमारा क्या है कंप्लीट हो जाता है, बिल्कुल ईजी है। अब केवल आपको हेडिंग वैसे में याद रखनी है, उसके बारे में फिर आप डिटेल से आराम से आप लिख पाएंगे अगर आपने नॉर्मल समझा है। आगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, सिक्के एक प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत है, विवरण दीजिए। इसे देख लेते हैं। तो ये इसका सॉल्यूशन और इस प्रकार से रहने वाला है। क्वेश्चन कई प्रकार से आ सकता है कि इतिहास के पुनर्निर्माण में सिक्कों एवं मुद्राओं का महत्व स्पष्ट कीजिए, सिक्के के ऐतिहासिक स्रोत बताइए। सिक्के से संबंधित आपको क्वेश्चन आ रहा है, ओके, सिक्के और आपका स्रोत के रूप में, ओके, ये क्वेश्चन आ रहा है आपका। सिक्का एक स्रोत है, किस प्रकार से है ऐतिहासिक जानकारी को जानने के लिए क्वेश्चन आता है, किस प्रकार से आपको देना है, तो आपका ये दिया है, पॉइंट वाइज पॉइंट समझा गया है। तो हमें क्या है, प्राचीन भारत प्रमाणित जानकारी कराने में भारतीय मुद्रा निम्नलिखित कारणों से ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जैसे पहला आर्थिक दशा, हमें क्या है, यदि सिक्के क्या है शुद्ध सोने के या चांदी के थे तो हम समझ जाते हैं कि जो क्या है जो राज्य था वो क्या है संपन्न था। लेकिन यदि हमें सिक्के मिश्र धातु के मिलते हैं या तांबे वगैरह का मिलते हैं तो हम समझ जाते हैं कि जो आर्थिक दशा थी उसकी अच्छी नहीं थी, ओके। इस प्रकार से आपका तिथि क्रम का निर्धारण होता है आपके सिक्के से, साम्राज्य की सीमाओं का भी निर्धारण होता है, धार्मिक दशा का ज्ञान होता है और फिर कला और विकास का भी ज्ञान होता है। तो ये आपके दिए हुए हैं, सिक्के एक ऐतिहासिक स्रोत है, किस प्रकार से वो बताया जा रहा है, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मशास्त्रों के अनुसार विवाह के प्रकारों में से किन किन विवाहों को उत्तम विवाह माना जाता है, संक्षेप में लिखिए। और दोस्तों धर्मशास्त्रों के अनुसार आपके क्या है विवाह कितने प्रकार के बताए गए हैं, टोटल आपके 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं, मुख्यतः मनुस्मृति के अनुसार भी हैं। तो आपको क्या है, इनके पहले तो आपको 8 के 8 जो आपके विवाह हैं उनके नाम आपको तैयार कर लेना है। फिर इसमें जो आगे आपके 4 हैं वो आपके अच्छे हैं और आपके जो 4 हैं वो निकृष्ट हैं, ओके। तो इनको आपको याद किस प्रकार से रखना है तो इसे देख लेते हैं। तो BDPAGA RP इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। इसमें बी से आपका हो जाएगा ब्रह्म विवाह, डी से हो जाएगा आपका देव विवाह, पी से हो जाएगा आपका प्रजापत्य विवाह, ए से हो जाएगा आर्ष विवाह, जी से गंधर्व विवाह, ओके। अब फिर आपका ए से हो जाएगा आपका असुर विवाह, आर से हो जाएगा राक्षस विवाह, यहाँ पी है आपका, ओके, पी से हो जाएगा आपका पिशाच विवाह। तो BDPAGA RP, ओके, इस प्रकार से आपको याद रखना है। तो आपको क्या है 8 के 8 के नाम याद होंगे, जिसमें आगे के जो 4 हैं आपके, जैसे देव विवाह, आपका ब्रह्म विवाह, फिर आप प्रजापत विवाह, आर्ष विवाह, तो ये आपके उत्कृष्ट हैं, 4 आपके निकृष्ट हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि जो 4 आपके उत्कृष्ट हैं, अच्छे हैं, उनके बारे में भी बताओ। तो अब आपको नाम तो आपको याद हो जाते हैं, इसके बाद एक लाइन सबके बारे में तैयार कर लीजिएगा कि किस किस प्रकार के विवाह हैं, तो आपका तैयार हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका ये दिया हुआ है, तो अच्छे से हमको तैयार कर लेना है। तो ब्रह्म विवाह के बारे में बताया गया है, फिर देव विवाह के बारे में बताया गया, आर्ष विवाह के बाद प्रजापत विवाह, ये 4 आपके उत्कृष्ट के विवाह के बारे में बताया गया है, 4 जो निकृष्ट के बारे में तैयार कर लीजिएगा, ओके, तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के पंच महाव्रत का उल्लेख कीजिए। बाकी जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ इन सबको आप देखना चाहते हैं अपनी वेबसाइट anuragasadiclasses.com से आप देख सकते हैं। दोस्तों गूगल पर जाइएगा, सर्च करिएगा anuragasadiclasses.com, सबसे पहले वेबसाइट मिलेगी, ओपन करके आप वहाँ से क्लास 12th हिस्ट्री सब्जेक्ट के और भी आप सभी सब्जेक्ट के क्या है इंपॉर्टेंट आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्या है, जैन धर्म के पंच महाव्रत का उल्लेख करना है। पहले तो दोस्तों आपको है जैन धर्म के पंच महाव्रत के आपको नाम तैयार होने चाहिए।
ओके, तो यही क्वेश्चन अगर आपको आता है जैन धर्म के पंच महाव्रत लिखिए, तो आपका क्या है, दो नंबर में क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको केवल नाम बताने। अगर तीन या चार नंबर में आता है तो फिर आपको जो आपको हर पॉइंट का आपको क्या है आपको विस्तार से दो तीन लाइन में बताना पड़ेगा। ओके, तो कौन कौन से होते हैं पंच महाव्रत है, आपका बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, अहिंसा, अस्तेय, सत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये सब आपके क्या है पाँच आपके जैन धर्म के महाभ्रत है। ओके, तैयार कर लीजिएगा। अहिंसा मतलब होता है लड़ाई झगड़ा न करना, अस्तेय मतलब चोरी न करना, सत्य यानी सत्य बोलना हो इस प्रकार से, ब्रह्मचर्य का पालन करना, फिर अपरिग्रह का मतलब होता है कि वस्तु या धन का संग्रह करना ना करना, ओके, मतलब जितना आवश्यक है उतना रखना, बाकी को क्या है त्याग देना, ओके, मतलब बेफालतू जो वस्तुएं होती है उनका संग्रह ना किया जाए, तो ये आपका दिया हुआ। ओके, तो अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं, आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई तीन महत्वपूर्ण बौद्ध स्तूपों का विवरण दीजिए। चलिए इसे देख लेते हैं। तो दोस्तों आपको तीन महत्वपूर्ण बौद्ध स्तूप का आपको विवरण देना है, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। ओके, तो पहले आपको बौद्ध स्तूप को पता होना चाहिए, सांची का स्तूप हो जाता है, एक भरूत का स्तूप है, अमरावती का स्तूप है, मेन तो आपके चैप्टर में सांची का स्तूप और अमरावती के स्तूप की बहुत बात होती है। ओके, तो तीन आपको तैयार रखना है, बस अब तीन आपको स्तूप को पता है, उनके बारे में तीन तीन लाइन आपको तैयार कर लेना है। तो सांची के स्तूप के बारे में बता देना कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है और रायसेन जिला से मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूरी पर है। इसमें इस स्तूप में भगवान बुद्ध के कुछ अवशेष रखे हुए हैं। इस स्तूप का निर्माण मूलतः मौर्य सम्राट अशोक ने 3 शताब्दी में कराया था। इस प्रकार से आपको तैयार कर रखिएगा। आगे देख लेते हैं, इसके आगे आपका ये दिया हुआ है, इसे आपको तैयार करना है। फिर आपका भरूत का स्तूप है, उसके बारे में आपका दिया हुआ है, फिर अमरावती का स्तूप है, उसके बारे में दो दो तीन तीन लाइन है, जितना आपको विवरण लिखना है उसके हिसाब से मैंने आपको पर्याप्त बता दिया। ओके, पढ़ते ही आपको तैयार हो जाएगा, एकदम आपका फिक्स कंटेंट है, आपको इतना ही आपको लिखना है। ओके, तो कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं, आगे बढ़ने से पहले उसमें बताना चाहूँगा, अगर दोस्तों आप क्लास 12th हिस्ट्री सब्जेक्ट की प्रॉपर रूप से तैयारी करना चाहते हैं, अनुराग सारी क्लासेस के दोस्तों हिस्ट्री कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, इसमें दोस्तों आपको ऑल चैप्टर पीडीएफ नोट्स, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर पेपर, अभी सॉल्यूशन, मॉडल पेपर मिल जाएगा, जिससे आप प्रॉपर रूप से आप तैयारी कर पाएंगे। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 इस दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके आप क्या है कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका अमरावती का जो स्तूप है क्यों नष्ट हो गया, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए देख लेते हैं, अमरावती का स्तूप क्यों नष्ट हो गया, और जितने भी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा आसान है दोस्तों, अगर आपने इसे समझा होगा, पढ़ लीजिए, कहानी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इतिहास में आपको लाइन तो रटेंगे नहीं, अगर आपको कहानी पता है तो अपने हिसाब से फिर जैसा चाहे लिख सकते हैं। तो देख लेते हैं, बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, अमरावती का जो स्तूप है क्यों नष्ट हो गया, तो इसका आपका सॉल्यूशन इस प्रकार से आपको पूरा दिया हुआ है, पूरा इसमें कहानी के लैंग्वेज में दिया हुआ है, और मैं आपको ये सभी क्वेश्चन समझा चुका हूँ। आप पूछे सर आपने कब समझाए हैं, तो जब मैं आपको दोस्तों क्लास 12th हिस्ट्री सब्जेक्ट के ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको बता रहा था। अभी तक मैंने आपको छह चैप्टर तक के, जहां तक आपका अभी आपके 83 परीक्षा में आना है, उनके मैंने आपको ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिए, ऑल चैप्टर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिए। देखना चाहते हैं अगर आप प्लेलिस्ट पर जाइएगा, क्लास 12th हिस्ट्री सब्जेक्ट की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ओके, 25 के लिखा होगा तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। तो यहाँ का पूरा दिया हुआ है, इसमें आपका क्या है अमरावती का स्तूप क्यों नष्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ के एक अमरावती के स्तूप में यहाँ के आपके जो राजा होते हैं उन्हें लगता है कि यहाँ के अच्छे डिजाइनिंगदार पत्थर वगैरह हैं, तो वो एक मंदिर बनाते हैं उसमें लगा देते हैं, फिर जो अंग्रेज अधिकारी आते हैं वो भी मूर्ति उठा कर ले जाते हैं। ओके, इस प्रकार से पूरी इसमें कांड दी हुई है, तो यहाँ से सब कोई धीरे धीरे कुछ ना कुछ पत्थर ले जाएगा, तो वहाँ कुछ नहीं बचेगा, जिससे अमरावती का स्तूप क्या है नष्ट हो जाता है। ओके, ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं, आगे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किताब उल हिंद पर संक्षिप्त लेख लिखिए। देख लेते हैं, किताब उल हिंद पर आपको संक्षिप्त लेख लिखना है, तो इस प्रकार से आपको दिया है किताब उल हिंद के बारे में। ओके, तो इस पुस्तक के बारे में पूरी आपको दिया है, किसमें किस टॉपिक के बारे में जानकारी दी हुई है, तो इसको आपको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ये आपका कंप्लीट दिया हुआ है। तो यह बात है, यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक की वीर सैव परंपरा का वर्णन कीजिए। चलिए इसे देख लेते हैं, तो ये आपका दिया हुआ कर्नाटक की वीर सैव परंपरा के बारे में आपका क्वेश्चन, ओके, बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, तो आप इस प्रकार से दिया है वीर सैव परंपरा के बारे में अच्छे से आपको तैयार कर लेना है, ये आपका दिया हुआ है। ओके, एक बार पढ़ लीजिएगा, अच्छे से समझिएगा, तो आपका तैयार हो जाएगा। ओके, हिस्ट्री सब्जेक्ट में यही रहता है, अगर आप थोड़ा सा कहानी के रूप में आपको तैयार कर लेते हैं तो आपका क्या है अच्छे से आपको बन जाएगा। ओके, ये आपका दिया हुआ है, अच्छे से आपको इसे तैयार कर लेना है। कर्नाटक की वीर सैव परंपरा के बारे में दिया हुआ है, या क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है, लिंगायत कौन थे, जाति के विशेष के संबंध में सामाजिक धार्मिक योगदान के बताइए। ओके, मतलब लिंगायत से संबंधित या वीर सैव परंपरा से संबंधित क्वेश्चन आता है तो आपका ये आंसर रहेगा। ओके, कंप्लीट हो जाता है। आगे दोस्तों हमारे चार अंक की महत्वपूर्ण आ जाते हैं, पहला है अतीत के पुनः निर्माण में अभिलेख शास्त्रियों के समझ आई किन्हीं तीन समस्याओं को लिखिए। तो इसका सॉल्यूशन इस प्रकार से आपका दिया है कि अतीत के पुनः निर्माण में अभिलेख शास्त्रियों की समस्याएं कौन कौन सी थी, तो ये आपका दिया है, जैसे पहला है कि अभिलेखों में अक्षरों के हल्के ढंग से उत्कीर्ण किया जाता था जिनको पढ़ पाना क्या कठिन होता था, दूसरे अभिलेख नष्ट हो जाते थे जिससे क्या है अक्षर लुप्त हो जाते थे, ये इससे समस्या आती थी, जब अक्षर लुप्त हो जाते थे तो पढ़ नहीं पाते थे,
तो ये आपके तीन दिए हैं अतीत के पुनर्निर्माण में अभिलेख शास्त्रियों की समस्याएं। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है महाजनपदों की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो महाजनपदों की प्रमुख विशेषताएं आपको लिखनी है। तो महाजनपद की विशेषता इस प्रकार से आपकी दी हुई है। जैसे पहला है आपका इस काल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि अनेक महाजनपदों में पहले से ही चली आ रही राजतंत्रीय व्यवस्था को समाप्त करके गणतंत्रीय शासन को प्रणाली को स्थापित किया था। जैसे उदाहरण के लिए कुरु पंचाल मल्ल आदि ने गणतंत्र की स्थापना की थी। दूसरा है जनता में लोकतांत्रिक भावना प्रबल थी और अत्याचारी राजाओं के शासन को चुपचाप सहने वाली नहीं थी। फिर तीसरी है आपकी विशेषता कि गणतंत्र का एक प्रमुख होता था जो संभवतः 10 वर्ष के लिए चुना जाता था। इस प्रकार से आपका दिया हुआ है तैयार अच्छे से कर लिए। चौथी विशेषता या पांचवी विशेषता इस प्रकार से दोस्तों हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्म प्रवर्तक से आप क्या समझते हैं। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए क्या क्या कार्य किए। तो ये आपके दिए हुए हैं कि धर्म प्रवर्तक क्या है। किसी धर्म को प्रचलित करने या चलाने वाला व्यक्ति को क्या है या कोई नया मत या सभ्यता चलाने वाला व्यक्ति धर्म प्रवर्तक कहलाता है। बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु क्या क्या किया अशोक ने। तो जैसे धर्म लेख किया, फिर धर्म यात्राएं, फिर धर्म का प्रदर्शन। ये आपके दिए हुए हैं पॉइंट वाइज पॉइंट धर्म प्रदर्शन किया। इसके आगे दोस्तों धर्म श्रवण, फिर धर्म मंगल, धर्मानुशासन, धर्म महापात्रों की नियुक्ति, अहिंसा का प्रचार, बौद्ध संगति का आयोजन। ये पॉइंट वाइज पॉइंट दिए हैं। ये अशोक ने क्या है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए ये सब कार्य किए होंगे। जैसे बिहारों और स्तूपों का निर्माण, धर्म प्रचारक संघों का निर्माण, पाली भाषा का प्रयोग, राजधर्म। यहाँ 13 आपके पॉइंट दिए हैं जिसमें बताया जा रहा है कि अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार किस प्रकार से किया होगा। 4 से 5 पॉइंट आपको तैयार करके रखना है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के धम्म से आप क्या समझते हैं, उसके मूलभूत सिद्धांत लिखिए। तो अशोक के धम्म से आप क्या समझते हैं आपका दिया, उसके आपको मूलभूत सिद्धांत बताने हैं। तो यहाँ से आपका सॉल्यूशन दिया हुआ है। ओके, इसके आगे देख लेते हैं। इसके आगे दोस्तों आपका ये दिया हुआ है, तो इसे आपको यहाँ से तैयार कर लेना है। अब इसमें काफ़ी लॉन्ग आपका दिया हुआ है। ओके, लेकिन आपको क्या है कुछ ही पॉइंट आपको तैयार करके रखना है। अब आपके सिद्धांत पूछे या आपके शिक्षाएं पूछे या विशेषता पूछे, एक ही बात रहेगी। ओके, तो क्वेश्चन आ सकता है अशोक के धम्म की विशेषताएं लिखिए, अशोक के धम्म की सिद्धांत लिखिए या फिर शिक्षाएं लिखिए, सब एक ही बात है। पॉइंट वाइज पॉइंट आपका यहाँ दिया जा रहा है। ओके, तो यहाँ आपके क्या है 12 आपके पॉइंट दिए हुए हैं। तो आपको 4 से 5 आप तैयार करके रखिएगा तो आपका हो जाएगा। ओके, ये सब आपके दिए हैं 12 पॉइंट में आपको समझा गया है अशोक के धम्म के सिद्धांत, शिक्षाएं या विशेषताएं कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सम्राट अशोक के शासन प्रबंध पर प्रकाश डालिए। तो सम्राट अशोक के शासन प्रबंध क्या है अशोक उत्तराधिकारी के, ये आपका दिया हुआ है। इसके आगे देख लेते हैं। इसके दोस्तों आगे आपका इस प्रकार से दिया हुआ है, तो इसकी शॉर्ट आप इसका क्या है फास्ट आप ले लीजिए। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भक्ति आंदोलन के प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो भक्ति आंदोलन के कौन कौन से प्रभाव थे ये आपके देख सकते हैं। पहला है हिंदुओं में आशा तथा साहस का संचार हुआ। दूसरा है मुसलमानों के अत्याचारों में कमी हुई। तीसरा है बाहरी आडंबरों में कमी। चौथा है वर्गीयता तथा संगीनता पर आघात हुआ। सामाजिक सद्भावना का विकास। ये 5 पॉइंटों के माध्यम से आपके भक्ति आंदोलन के प्रभाव बताए गए हैं। ओके, अगर भक्ति आंदोलन की विशेषता भी कहा जाए तो आप इसे लिख सकते हो। बाकी इस प्रकार से आपको भक्ति आंदोलन के प्रभाव को तैयार कर लेना है। विशेषता मैं आपको अलग से तैयार करा देता हूँ। तो नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है भक्ति आंदोलन की विशेषताएं लिखिए जिनके कारण यह जन साधारण में प्रसारित हो सका। मतलब ऐसी कौन सी विशेषताएं थी भक्ति आंदोलन में जिससे जनता इससे जुड़ सकी। ओके, ये पॉइंट वाइज पॉइंट आपको यह 6 पॉइंटों के माध्यम से बताया जा रहा है। जैसे भक्ति आंदोलन में क्या है संतों ने मूर्ति पूजा खंडन किया। दूसरा इनके कुछ संतों ने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। भक्ति आंदोलन के प्रचारकों ने अपने विचारों पर प्रचार जनसाधारण की भाषा एवं पिछले साधारण बोली का प्रयोग किया। तो ये सब आपके पॉइंट दिए हुए हैं जिनके कारण क्या है यही सब विशेषताएं भक्ति आंदोलन की जिनके कारण ये क्या है जनसाधारण में क्या प्रसारित हो सका। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या आप इस तथ्य से सहमत है कि हड़प्पा सभ्यता के शहरों में जल निकासी प्रणाली नगर योजना की ओर संकेत करती है। अपने उत्तर का क्या कारण बताइए। ऐसा सॉल्यूशन आपका इस प्रकार से दिया हुआ है। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। मतलब आपको क्या है इसमें हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी के बारे में आपको बताना है। ओके, सिंपल आपका कहा है किसी प्रकार से क्वेश्चन घुमा दिया जाए। आपको मेन टॉपिक आपको पता होना चाहिए। हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी के बारे में पता है तो आप वो यहाँ आपको बता देना। ओके, ये कंप्लीट पॉइंट वाइज पॉइंट आपका दोस्तों दिया हुआ है, तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित को आपको मानचित्र प्रदर्शित करना है। मानचित्र वाला आपका क्वेश्चन आना है। ओके, तो जरूर आपको क्या है जो भी आपके चैप्टर है सभी चैप्टर संबंधित जो भी आपको मानचित्र इंपॉर्टेंट लगे तैयार कर लीजिएगा। जैसे आपका ये दिया हुआ ये सब आपको दर्शाना। ओके, जैसे शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है, जगन्नाथ मंदिरपुरी, शेख मुद्दीन चिश्ती की दरगाह, गईकुंडम चोलपुरम शिव मंदिर, ये सब आपको बताने हैं। तो जैसे आपका ये दिया हुआ है यात्री को नजरिए वाले चैप्टर से आपके ये आपका मानचित्र बन रहा है। तो देख सकते हैं आपको यहाँ आपको बता दें शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह, जगन्नाथपुरी मंदिर इस साइड है आपका। ओके, आपका मालाबार तट पूछे तो आपका यहाँ है, गईकुंड चोलपुरम शिव मंदिर यहाँ है आपका, शेख मुद्दीन चिश्ती की दरगाह यहाँ है। ओके, इस बार से आपको बता देना है। आगे नेक्स्ट मानचित्र देख लेते हैं। इसमें आपको दहली, अरब सागर, मालाबार तट और बंगाल की खाड़ी बताना है। तो अरब सागर आपका यहाँ है, बंगाल की खाड़ी यहाँ है,
दिल्ली आपका यहाँ है, ओके दिल्ली लिखा हुआ है, दिल्ली आपका यहाँ है, ओके मालाबार तट आपका यहाँ है। इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको क्या है इतिहास विषय के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए। मानचित्र की आप अपने से और प्रैक्टिस करिएगा। हड़प्पा सभ्यता से बनती है राजा किसान नगर में आपका दोस्तों, जैसे कि आपके 16 महाजनपद है वो कहाँ है उनकी आपको प्रैक्टिस कर लेना है। इस प्रकार के जो मानचित्र है उनकी जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, वहाँ से आपका क्वेश्चन जरूर बनना है 5 नंबर का। ओके तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।